हेलो एवरीवन, मैं धीरेंद्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स का टॉपिक थ्रेड पढ़ेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ये हम अपने चैप्टर टू पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। उस चैप्टर टू का ये टॉपिक है थ्रेड। तो आज हम थ्रेड के बारे में पढ़ते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले प्रोसेस के बारे में समझना जरूरी है, और प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इससे पिछले सेशन में कवर कर लिया है। तो थ्रेड के बारे में स्टार्ट करते हैं। बेसिकली थ्रेड क्या होता है? देखिए, थ्रेड क्या है? थ्रेड एक्चुअल में पोर्शन ऑफ कोड होता है, ठीक है, दैट मे बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेन प्रोग्राम। तो बेसिकली जैसे प्रोसेस होता है हमारा, वैसे थ्रेड होता है। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम के अंदर कोड लिखा होता है, वो भी कोड ही है, लेकिन जो अपन थ्रेड बोलते हैं वो पोर्शन ऑफ कोड होता है, कुछ कोड का कुछ हिस्सा होता है जो थ्रेड कहलाता है। और ये क्या हो सकता है? ये इंडिपेंडेंट हो सकता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इसकी डिपेंडेंसी इस तरीके से नहीं होगी कि जब अगर एक प्रोग्राम रन होगा, मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होगी, तो प्रोसेस के में लिखे हुए पीस ऑफ कोड्स जब रन करते हैं तो दे रन इन अ सीक्वेंशियल मैनर, ठीक है। तो एक सीक्वेंस के बाद ही कुछ कोड्स को रन करने का, एग्जीक्यूट होने का मौका मिलता है। बट थ्रेड के केस में ये हो सकता है कि ये पीस और पोर्शन ऑफ कोड हो सकता है किसी भी प्रोसेस का, और जो कि इंडिपेंडेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ही थ्रेड काम करेगा, इंडिपेंडेंटली कहीं भी ये काम कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम मे हैव एन ओपन थ्रेड वेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट टू अकर और रनिंग अ सेपरेट जॉब अलाउंग द मेन प्रोग्राम टू परफॉर्म अदर टास्क, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, जब बोल रहे हैं प्रोग्राम रन हो रहा है मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। प्रोग्राम और प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। प्रोग्राम एक स्टेटिक मोड है प्रोसेस का, जिसमें सिर्फ प्रोग्राम के अंदर कोड लिखा हुआ है। बट जब अपन प्रोग्राम के रन होने की बात करते हैं, इसका मतलब होता है प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इस दरमियान क्या हो सकता है कि ओपन थ्रेड हो सकता है जो किसी न किसी इवेंट के लिए वेट कर रहा होता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर सेपरेट जॉब, जॉब से यहाँ तात्पर्य प्रोसेस से ही है, कोई दूसरे प्रोसेस के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहा होता है, ठीक है। तो उसे हम थ्रेड कह सकते हैं। अ प्रोग्राम इज अ केपेबल ऑफ हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स ओपन एट वंस एंड विल आइदर टर्मिनेट और सस्पेंड देम आफ्टर अ टास्क इज कंप्लीटेड और प्रोग्राम इज क्लोज, ठीक है। तो क्या हो सकता है? जब आप प्रोग्राम रन कर रहा होता है, प्रोसेस रन कर रहा होता है, तो उसके मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। मल्टीपल थ्रेड्स का मतलब एक से ज्यादा थ्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है। एक साथ वो ओपन हो सकते हैं, एक से ज्यादा थ्रेड ओपन हो सकते हैं एक साथ, ठीक है, और एक साथ ही टर्मिनेट हो सकते हैं, एक साथ ही सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कंस्ट्रेंट्स और रूल्स इन थ्रेड्स के लिए होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि थ्रेड्स के कितने प्रकार होते हैं। तो जो थ्रेड होता है वो आपका एक सिंगल थ्रेड होता है, वो मल्टीपल थ्रेड होता है। सिंगल का मतलब होता है सिर्फ एक थ्रेड, मल्टीपल का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा थ्रेड, ठीक है। तो सिंगल थ्रेड का मतलब होता है ओनली वन टास्क कैन बी डन एट अ टाइम एंड द प्रोग्राम वेट अंटिल अ टास्क इज फिनिश बिफोर स्टार्टिंग अनदर वन, ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्राम के अंदर थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। ये थ्रेड्स इस तरीके से मैं दर्शा रहा हूँ आपको। जब ये थ्रेड, जब हम बात करते हैं कि सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम है, तो जब तक ये थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, ये थ्रेड जब तक कंप्लीट नहीं हो जा कर लेता अपने एग्जीक्यूशन को, तब तक प्रोग्राम वेट करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगल थ्रेड, ठीक है। मतलब प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन होल्ड पे रखेगा जब तक कि उसका सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, या जो भी सिंगल थ्रेड जिस भी टास्क के लिए बना हुआ है वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाती है।
मल्टीपल थ्रेड में ये होता है कि अ प्रोसेस विद टू थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन रनिंग ऑन अ सिंगल प्रोसेसर। अब देखिए यहाँ पे इससे पहले पिछले स्लाइड में हमने देखा प्रोग्राम का नाम आ रहा है और यहाँ पे प्रोसेस का नाम आ रहा है, तो प्रोग्राम और प्रोसेस में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोग्राम और प्रोसेस सेम ही है। प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस। ओके, सो बेसिकली जो थ्रेड्स एग्जिस्ट करता है वो प्रोग्राम या प्रोसेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, मतलब जो पीस ऑफ कोड लिखा होता है प्रोग्राम के अंदर वही प्रोसेस के अंदर होता है, बट जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो अपन इसको प्रोसेस बोल दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर एक या एक से ज्यादा थ्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जब प्रोसेस रन कर रहा होता है तो एक या एक से ज्यादा थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स में। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है, इसके बेनिफिट ये होते हैं कि जब आपके प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं तो प्रोसेस की रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है। रेस्पॉन्सिवनेस को मैं समझाऊंगा, रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे आप कोई काम किसी इंसान को देते हैं, ठीक है, अब आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम मुझे 5 घंटे में तुम करके उसका मुझे जवाब दो, उसका सॉल्यूशन दो। अब वो इंसान काम करने जाता है तो काम के समय उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे काम उसने 10 बजे स्टार्ट किया, 11 बजे उसको समस्या आई कि मुझे सामग्री ए की आवश्यकता है, ठीक है। अब जो ऑनर है उसने किसी उस इंसान को काम दिया, उसने काम बता दिया कि भाई तुम्हें ये काम 10 बजे से लेकर 3 बजे तक करना है 5 घंटे। अब उस काम को करने के दौरान जो समस्याएं आती हैं, ठीक है, अगर वो समस्याओं को नहीं सुलझाया जाता है तो वो 3 बजे तक मतलब 5 घंटे का जो काम है वो काम पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही होती है, जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा होता है तो उस दरमियान प्रोसेस को रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं रन टाइम के समय कि कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है और उस रनिंग प्रोसेस को होल्ड कर देती है, उसको रोक देती है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जिस इंसान के लिए एक आदमी जिस ऑनर के लिए वो आदमी काम कर रहा है तो उसको टाइम टू टाइम फीडबैक देना होता है, रेस्पॉन्ड करना होता है, हाँ भाई 1 घंटे मैंने काम कर लिया, 1 घंटे में सिचुएशन ये है, मुझे ये समस्या आ रही है। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक उसी तरीके से अगर अपन देखें ऑपरेटिंग सिस्टम में जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट होने के दौरान जब प्रोसेस को रिसोर्सेस की आवश्यकता हो रही है या किसी दूसरे प्रोसेस के कारण प्रोसेस को रुकना पड़ रहा है तो जो प्रोसेस है वो रेस्पॉन्ड करना सीख करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आई नीड टू वेट फॉर सर्टेन टाइम, ओके, मुझे इंतजार करना होता है। इससे क्या होता है कि जिस क्लाइंट की वजह से वो प्रोसेस रन होनी है, जिस क्लाइंट ने वो प्रोसेस जनरेट अपनी रिक्वेस्ट को भेजा ऑपरेटिंग सिस्टम को और उससे रिलेटेड वो प्रोसेस जनरेट हुआ, रनिंग मोड में आ गया, तो उस क्लाइंट तक ये संदेश पहुंच जाता है, यूजर तक ये संदेश पहुंच जाता है कि इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वेट लगेगा, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ता है, जैसे जैसे आप मल्टी थ्रेडिंग बढ़ाते हैं तो प्रोसेस का रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाता है, प्रोसेस क्या कर रही है, क्यों वेट पे रुकी, क्यों रुकी हुई है, कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो एंड साइड में बैठा हुआ क्लाइंट है या यूजर है या एंड साइड पे रनिंग प्रोसेस है उसको पता चलता है। तो ये रेस्पॉन्सिवनेस इसका एक बेनिफिट है। रिसोर्स शेयरिंग की जब हम बात करते हैं, रिसोर्स मल्टीपल थ्रेडिंग हो जाने से क्या होता है कि जब एक प्रोसेस रिसोर्सेज को होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है, और वो रिसोर्सेज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इफ दैट रिसोर्सेज आर नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड तो वो रिसोर्सेज शेयर कर दिए जाते हैं दूसरी प्रोसेस के लिए ताकि जो प्रोसेस वेट कर रही है उसको ज्यादा वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो ये रिसोर्स शेयरिंग का बेनिफिट है। यहाँ पे इकोनॉमी का बेनिफिट है, कॉस्ट कम लगती है। कॉस्ट कम कैसे लगती है, मल्टी थ्रेडिंग की वजह से क्या होता है, मल्टीपल काम एक साथ होने लग जाते हैं, एक पूरी प्रोसेस को
एक थ्रेड की वजह से या एक पर्टिकुलर कोड की वजह से वेट नहीं करना पड़ता है, उसके कुछ पोर्शंस या उसके जो दूसरा थ्रेड है वो भी साइमल्टेनियसली काम करता है, तो उतने ही कंप्यूटेशन में उतने ही टाइम में वो भी काम करता है, तो इकोनॉमी बढ़ जाती है, स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये स्केलेबिलिटी का मतलब है, स्केलेबिलिटी मतलब ये जो कॉन्सेप्ट होता है मल्टी थ्रेडिंग का, वो बड़े स्तर पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि जो मल्टी थ्रेडिंग है आप प्रोसेस की साइज पर सीमित होता, नहीं, प्रोसेस की अगर साइज बढ़ जाए, पीस ऑफ कोड अगर उसके अंदर ज्यादा है और नंबर ऑफ थ्रेड्स की संख्या बढ़ जाए तो भी इसका बेनिफिट वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये स्केलेबिलिटी का की वजह से भी को भी हम इस बेनिफिट में काउंट करते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस मल्टी थ्रेडेड, अब इसको देख एक्सप्लेन समझते हैं, मल्टी थ्रेडेड एंड इंटरेक्टिव एप्लीकेशन में अलाउ अ प्रोग्राम टू कंटिन्यू रनिंग इवन इफ इट इज ब्लॉक्ड और इट इज परफॉर्मिंग अ लेंथी ऑपरेटिंग इंक्रीजेस रेस्पॉन्सिवनेस टू द यूजर। जैसा मैंने समझाया, रिसोर्स शेयरिंग, थ्रेड शेयर्स रिसोर्सेज ऑफ प्रोसेस इजियर देन शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। तो इसमें जो है एक प्रोसेस के अंदर एक से ज्यादा थ्रेड्स हैं, तो प्रोसेस को जो रिसोर्सेज अलोकेट हुए हैं उन्हें शेयर करना बहुत इजी होता है, ठीक है। एक जैसे दो प्रोसेस के बीच में एक रिसोर्स को शेयर करना डिफिकल्ट है, लेकिन एक ही थ्रेड प्रोसेस के अंदर रखे हुए जो थ्रेड्स हैं उनको अगर रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ रही है तो उसको शेयर करना बहुत इजी हो जाता है। चीपर देन प्रोसेस क्रिएशन, थ्रेड स्विचिंग, लोअर ओवरहेड देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। तो ये मल्टी थ्रेडिंग की वजह से क्या होता है कि जो प्रोसेस, और जैसे अगर अपन बात करें एक प्रोसेस को क्रिएट करना, दो प्रोसेस को क्रिएट करना और एक ही प्रोसेस के अंदर दो थ्रेड को क्रिएट करना, दो थ्रेड को क्रिएट करना वो ज्यादा सस्ता होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब स्विचिंग होती है, जब हमने प्रोसेस स्विचिंग या कॉन्टेक्स्ट स्विच के बारे में पिछले सेशन में देखा, तो यहाँ पर जब थ्रेड स्विचिंग होती है, एक थ्रेड के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद दूसरे थ्रेड को पे कंट्रोल जब ट्रांसफर होता है तब उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, तो ये इकोनॉमिकल होता है। स्केलेबिलिटी का मतलब प्रोसेस कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर, द मल्टी थ्रेडिंग कैन बी ग्रेटली इंक्रीज इन मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो ये भी इसका एडवांटेज है, मल्टी थ्रेडिंग होने की वजह से जो प्रोसेसर अगर मल्टी टाइप का है तो उसका एडवांटेज लिया जा सकता है, ठीक है। यूजर थ्रेड्स एंड द कर्नल थ्रेड्स, अब दो तरीके के थ्रेड्स हैं, यूजर मतलब यूजर लेवल थ्रेड्स उनको बोलते हैं जो यूजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, और कर्नल लेवल थ्रेड्स वो होते हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, उन पर अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने हैं, ठीक है। यूजर लेवल थ्रेड्स, इन दिस केस एप्लीकेशन manages thread management kernel is not aware of the existence of the thread, ठीक है। तो जो application होता है, मतलब जिसके through customer या जो end user बैठा हुआ है किसी application के through manage करता है, ठीक है। यहाँ पे kernel मतलब जो operating system की बात आती है उसको पता ही नहीं होता कि ये thread exist कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। The thread library contains code for creating and destroying thread, for passing message and data between thread, for scheduling thread execution, ठीक है। तो thread library होती है, इसमें thread library के अंदर code होते हैं जो इन threads को create और इनको destroy करने के लिए responsible होते हैं, ठीक है। अगर message pass करना है threads के द्वारा और data pass करना है और threads की scheduling करनी है, scheduling करनी है, तो वो सारा कोड आपको जो थ्रेड लाइब्रेरी होती है उसमें मिलता है। कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेड्स मैनेजमेंट डन बाय द कर्नल। तो यहाँ पर कर्नल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल होता है, तो इन थ्रेड्स को जो मैनेज करता है वो कर्नल करता है। देयर इज नो थ्रेड मैनेजमेंट कोड इन एप्लीकेशन एरिया, ठीक है। तो एप्लीकेशन एरिया मतलब हो गया यूजर का जो डोमेन है, यूजर का जो एरिया है, तो वहां किसी भी तरीके का कोई कोड नहीं होता है इस प्रकार के थ्रेड्स को मैनेज करने के लिए। कर्नल थ्रेड्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये सपोर्ट किए जाते हैं डायरेक्टली एंड बी प्रोग्राम्ड टू बी मल्टी थ्रेडेड, ठीक है। तो जब एक एप्लीकेशन रन हो रहा होता है तो उसको इस तरीके से बनाया जा सकता है, उसके अंदर जो प्रोग्राम जो कोड आप लिख रहे हो वो मल्टी थ्रेडेड हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स कौन कौन से ये हम देख लेते हैं। सम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कंबाइंड यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड फैसिलिटी। सोलारिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉम्बाइंड अप्रोच। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स जो है वो तीन तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है मेनी टू मेनी रिलेशन फॉलो करता है, ठीक है, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन एंड वन टू वन रिलेशनशिप। अब देखिए मेनी टू मेनी मॉडल में क्या होता है कि जो यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं वो कर्नल लेवल थ्रेड्स, जो यहाँ पे कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं वो आपस में मैप कर दिए जाते हैं, ठीक है, आपस में मैपिंग होती है। मेनी टू वन में क्या होता है कि जो यूजर लेवल थ्रेड्स, जैसे यहाँ पे यहाँ संख्या देख रहे हो तीन थ्रेड्स की, वो एक ही कर्नल लेवल थ्रेड के साथ में मैप कर दिए जाते हैं। ये मैपिंग है, मतलब इन तीन यूजर लेवल थ्रेड्स को मैनेज करने के लिए एक कर्नल लेवल थ्रेड काम में आता है। इसी तरीके से मेनी टू मेनी में तीन यूजर लेवल थ्रेड जो आप देख रहे हैं, ये यूजर लेवल थ्रेड्स हैं, इनको मैनेज करने के लिए मल्टीपल कर्नल लेवल थ्रेड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वन टू वन मॉडल में जैसे आप देख रहे हैं यूजर के जो तीन सेपरेट थ्रेड्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, वन टू वन डायरेक्ट कनेक्शन होता है। डिफरेंस बिटवीन यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स, तो यूजर लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड्स में क्या अंतर होता है वो अपन देखते हैं। यूजर लेवल थ्रेड्स आर फास्टर टू क्रिएट एंड मैनेज, ठीक है, तो जो यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं वो बहुत इजीली और फास्ट क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। कर्नल लेवल थ्रेड्स को क्रिएट करना थोड़ा स्लोअर होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इज बाय अ थ्रेड लाइब्रेरी एट द यूजर लेवल, ठीक है। अब जब ये थ्रेड क्रिएट होते हैं तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए थ्रेड लाइब्रेरी अपन यूज करते हैं, जो कि कहाँ पे होता है, यूजर लेवल पे होता है। और जो कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं वो एक्चुअल में किसके द्वारा डायरेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। यूजर लेवल थ्रेड इज जेनरिक एंड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं वो देखिए एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, एप्लीकेशन यूजर एंड पे होता है, तो ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकते हैं। लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड्स जो होते हैं बेसिकली हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम इनको क्रिएट करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का है तो ये स्पेसिफिक हो जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं यहाँ पर, और मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन कैन नॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जो यूजर लेवल थ्रेड्स अपन एप्लीकेशंस, यूजर लेवल थ्रेड्स जो होते हैं अगर वो मल्टीपल होते हैं, मल्टी यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं, तो मल्टी प्रोसेसिंग का उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, ठीक है। बट कर्नल के केस में क्या है कि कर्नल रूटीन्स देमसेल्स कैन बी मल्टी थ्रेडेड। तो कर्नल अपनी डिजाइन इस तरीके से होती है कर्नल की कि जब मल्टी थ्रेड जनरेट किए जाते हैं कर्नल के द्वारा, मल्टी थ्रेड जनरेट किए जाते हैं तो वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं कि वो एक साथ पैरेलली काम कर सके, पैरेलल प्रोसेसिंग का बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने देखा थ्रेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, होप आपको समझ में आया।